हेलो इन्फो जनता, वेलकम टू इन्फोबग। सो इंटरनेशनल टी डे पर हमें हमारे विनर्स मिल चुके हैं, जिनका नाम है मिस्टर रोहित लुथरा एंड मिसेस रिंकू लुथरा। सो कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू इन्फोबग। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और हमारे इस कॉन्टेस्ट को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच। या सो आप पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो हमारा कॉन्टेस्ट था, इसका मकसद था कि इस इंटरनेशनल टी डे पर एक तो आप पार्टिसिपेट करें एंड शेयर योर कहानी अपने दोस्त की जुबानी। एंड मुझे अपने व्यूअर्स को बताना है कि इस कॉन्टेस्ट का नाम था शेयर योर कहानी अपने दोस्त की जुबानी। और आपको मैं बता दूं, इनके दोस्त इनकी वाइफ है ना, कितना क्यूट है। सर आपसे जानना चाहूंगी, आपने जो पिक्चर पोस्ट की थी उस पर जो आपका जो कैप्शन था, हमारे व्यूअर्स को बताएं। जब ये आपका जो कॉन्टेस्ट का मैंने वीडियो देखा था, तो उसमें फर्स्ट इंस्टेंस मैं उस टाइम इनफैक्ट आई वाज टेकिंग माय टी, ओनली इवनिंग थी। और पहला जो मेरे को उसमें जो स्ट्राइक किया था, दैट वाज ओनली बिकॉज आई कांट थिंक, मैं हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और की कंपनी की। तो मैंने उसी टाइम पे मेरे पास मेरे मोबाइल में फोटोग्राफ था, आई पोस्टेड दैट फोटोग्राफ विद अ टैग कि आई एम शेयरिंग माय टी विद माय बेस्ट फ्रेंड। सो आई थिंक शी इज द बेटर टू एक्सप्लेन अदर थिंग्स। वाओ, चलिए अब आपसे जानते हैं कि आपकी कोई ऐसी मेमोरी चाय से जुड़ी हुई, जिस तरह से आप चाय लवर हैं, अभी हम जब चाय और ये सब ले रहे थे तो आपने बताया कि आपको चाय जो है बहुत पसंद है, कोई ऐसी मेमोरी चाय से जुड़ी चाय लाइक मेमोरी में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर चाय ना हो तो आपका दिन खराब। चाय अच्छी होनी चाहिए तो दिन बेस्ट। मतलब आई एम लाइक आई एम दैट टाइप ऑफ टी लवर कि आप मुझे ब्रेकफास्ट मत दो, लंच मत दो, डिनर मत दो, बट प्लीज चाय दो। ओह माय गॉड, चाय दो। और चाय भी वही चाहिए जो मुझे चाहिए, मेरा अपना फ्लेवर। एक्चुअली मैं चाय के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहती। ओके, यू नो ये कर सकते हैं, मैं बहुत टिपिकल हूँ इस मामले में कि चाय वही चाहिए जो चाहिए। कैसी चाय, मतलब क्या? लाइक इट्स वेरी सिंपल एंड ट्रेडिशनल टी, अपना पानी गरम और इलायची का फ्लेवर, नथिंग एल्स। कई लोग बहुत स्पेशल चाय बनाते हैं, कई बार आप कहीं चले जाते हैं आपको अदरक वाली चाय मिलती है, बट मैं परेशान हो जाती हूँ उसमें। मैं बोलती हूँ कहीं भी मैं जाती हूँ, सॉरी मैं सब लोगों को जो अदरक की चाय पसंद करते हैं प्लीज आप लोग जरा इग्नोर मारें। हम चले जाए ना तो मैं बोलती हूँ बेटा चाय बना रहे हो, इलायची डालना, चीनी थोड़ी कम, दूध थोड़ा कम, स्ट्रॉन्ग चाय बनाना, मुझे कहना पड़ता है। आई एम दैट टाइप ऑफ लवर कि अगर चाय अच्छी नहीं बनी तो सब। तो जो इनके दोस्त हैं या जो रिश्तेदार हैं, जरा गौर फरमाइएगा, दूध कम, इलायची डाल के और चीनी कम, इनका मैसेज आप तक पहुंच गया। सर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं चाय में, क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? आई ट्राई ऑल काइंड ऑफ टी। मैं कहीं भी अगर जाता हूँ तो वहाँ की लोकल टी मैं जरूर ट्राई करता हूँ। एंड मेरी फेवरेट्स जो रहती हैं, दैट्स लेमन टी, लेमन विद हनी, जिंजर टी, जिंजर हनी। तो इस तरह की चाय, नहीं हॉट टी गुड फॉर मी, बट आई ट्राई विदाउट मिल्क मैक्सिमम। ग्रीन टी मैं ट्राई करता रहता हूँ, बट मेरा ये था कि लाइक मॉर्निंग में मैं यूज टू हैव लेमन टी विद हनी, तो वो आदत मेरे को इनकी वजह से छोड़नी पड़ गई। वो एक इनकी वो आदत थी जो शादी से पहले से चल रही थी। ठीक है, अब शादी हुई, मैंने देखा यार मुझे तो रोज प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं तो अपनी चाय की शौकीन हूँ और मेरी तो चाय बहुत अच्छी बन रही है, और मुझे इनके लिए बनानी पड़ रही है लेमन टी, और वो मुझे कई बार लगता भी था कि मेरे से अच्छी बन भी नहीं रही, और ये कैसे हो सकता है कि मतलब मैं चाय पी रही हूँ ये लेमन टी पी रहे हैं। ओके, मतलब ये आपकी लाइफ का फनीएस्ट मोमेंट हो गया चाय से जुड़ा हुआ। ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, सिक्स मंथ्स आप कह सकते हो, थोड़ा चेंज जानबूझ के, पहले वो वाली ले आना। अच्छा। पहले मैंने अपनी चाय लानी, अगर इन्होंने पकड़ ली तो ठीक है, नहीं पकड़ी तो फिर लेमन टी बनाएंगे। अच्छा। बट धीरे धीरे उनको आदत हो गई। अच्छा, मतलब आपने इनकी लेमन टी छुड़ा दी। आपको मेरे साथ है, जैसे चाय मैं पीती हूं वैसे। हाउ स्वीट। तो आपने देखा कि बहुत ही क्यूट कपल है जिन्होंने चाय से जुड़ी हुई बहुत चाय वाली बातें की हमारे साथ। चाय वाली बातें बहुत जरूरी हैं। We are actually tea lovers. Yes, I know that. तो अभी जाने से पहले चाय से जुड़े हुए क्या मैसेजेस आप देने चाहोगे हमारे व्यूअर्स को?
चाय पीनी चाहिए, इट्स एन एनर्जी बूस्टर, बट एडिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप इसके बिना रह ना पाए. नहीं, मैं एडिक्टेड हूं, आई एम एडिक्टेड. और मुझे बहुत सारे लोग समझाते हैं कि इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए, तुम गलत करती हो, इसमें कैफीन होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है. लाइक मेरे फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं मैम, जो बूढ़ा नहीं होने देते. बट आई लव टी. मैं तो यही कहूंगी, खूब चाय पियो, मस्त जियो. ओहो, ये गलत मैसेज चला गया सर, मुझे लगा मैसेज वहां दे रहे थे. आप जनता को दीजिए मैसेज. चाय पीजिए, हर तरह की चाय ट्राई कीजिए, बट डोंट बी एडिक्टेड टू द एनीथिंग. एडिक्शन इज ऑलवेज बैड. दैट्स ट्रू. ऑलराइट मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने तो बोल दिया बहुत चाय पीनी चाहिए. चाय पियो, मस्त जियो, कोई टेंशन नहीं लेगा. चाय अच्छी चीज है यार, चाय से हमें एनर्जी एकदम. अच्छा, मैं वर्किंग हूँ, मैं जब तक मुझे चाय नहीं मिलती, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अब काम नहीं हो पाएगा, अब चाय चाहिए. तो चाय पीनी चाहिए, मुझे लगता है सब लोग चाय पियो यार. हम इंडियन हैं, हमें चाय पीनी चाहिए. सो ये है इंटरनेशनल टी डे पर एक मैसेज कि चाय पीनी चाहिए जो लोग पीते हैं. जो नहीं पीते हैं, अब आपकी मर्जी. आपने कभी चाय ट्राई ही नहीं किया है तो कुछ नहीं हो सकता. तो ये था आज इंटरनेशनल टी डे पर हमारा क्यूट सा कॉन्टेस्ट, जिसका नाम था शेयर योर कहानी अपने दोस्त की जुबानी, जिसमें आज के हमारे विनर थे एक क्यूट से कपल, जिसमें आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा. एंड जाने से पहले हमारे आज के जो हमारे पार्टनर थे, वेन्यू पार्टनर एशिया, को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने आज हमें पूरा सपोर्ट किया इस इंटरनेशनल टी डे को सक्सेसफुल बनाने के. एंड आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें. एंड कीप वॉचिंग इन्फोबग.